नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। दिनांक 10 मई 2019 शुक्रवार से 16 मई 2018 गुरुवार तक संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। कथा पंडित श्री भीमा शंकर शास्त्री धारिया खेड़ी वाले के मुखारविंद से 7 दिवसीय भागवत कथा की जा रही है। कथा प्रतिदिन सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक चलेगी। कथा को सुनने के लिए आसपास के गांवों में आम्बीराम, मोथिया, दलोज, सालमगढ़, निनौर, कालापानी आदि स्थानों से महिलाएं और पुरुष कथा सुनने के लिए मौजूद रहे। श्योपुर जिला मध्य प्रदेश का सबसे पिछड़ा हुआ जिला है। इसी बीच गांव के लोगों ने अपने विकास के लिए किया मतदान। ग्राम सहसराम धोधा कन्हार में इस बार मतदान में भारी बढ़ोतरी हुई है। इन गांव में मूलभूत सुविधा बहुत कम होने के कारण जैसे रोड, शिक्षा नेटवर्क, रोजगार और आने जाने के लिए बस सेवा सुबह और शाम है। इसी बीच लोगों ने अपना मतदान किया जिसमें युवा और महिला और बुजुर्गों ने बढ़ चढ़ कर मतदान किया। वहीं इस दूल्हे ने बारात ले जाने से पहले मतदान किया। साथ ही शांतिपूर्ण मतदान करने में पुलिस प्रशासन और पंचायत की सीक्रेट सरपंच का भी भरपूर सहयोग रहा। पुलिस वाला वेब न्यूज में आपका स्वागत है। मैं सूरज मलावरी। आज ग्राम कन्हार में वोटिंग हो रही है, जिस तरह से मतदाताओं की रुचि जानने आया कि मतदाताओं ने किस तरह से अपना वोट किस जिम्मेदार पार्टी को दिया। आज आपने मतदान किया है, कैसा लग रहा है आपको? मतदान करके बहुत अच्छा लग रहा है और मेरा वोट विकास को। आपने किस हित में दिया है अपना? देश के हित में। क्या आपने राष्ट्र हित में वोट दिया है? जी दादा, आपने किसके लिए वोट दिया है? जनता ने जिस तरह से अपना बढ़ चढ़कर अपना मतदान किया है, इस छोटे से ग्राम जहाँ पर मूलभूत सुविधाएं बहुत कम है जैसे नेटवर्क सेवा और रोड सेवा, शिक्षा की व्यवस्थाएं बहुत ही कम है, लेकिन फिर भी इस गांव में जिस तरह से युवा हैं बाहर जाकर अपनी शिक्षा पूर्ण करके इस गांव में आके अपने वोट मतदाता की पूरी जिम्मेदारी निभाई है। ग्वालियर लोकसभा सीट के लिए शांतिपूर्ण मतदान संपन्न हुआ। युवाओं ने मतदान में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। धूप पड़ रही थी फिर भी मतदाताओं ने कड़ी धूप में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार किया और लोकतंत्र के महापर्व में शामिल हुए। वहीं दूसरी ओर चप्पे चप्पे पर पुलिस चौकन्नी रही। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुरेंद्र सिंह गौर ने हमारे ब्यूरो रहीस खान को बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में 1865 पुलिस जवान लगे हुए हैं जो हर आपराधिक गतिविधियों पर मुस्तैदी से नजर रखे हुए हैं जिससे शांतिपूर्ण मतदान हो सके। करीब 70% मतदान सम्पन्न हुआ है। आज पंचायत में मतदान हुआ है, बढ़िया शांतिपूर्ण मतदान हुआ है। इस बारे में हम मोना के सरपंच श्री संजय माझी से बात करते हैं। आइए संजय माझी। संजय माझी, पंचायत बताइए, मतदान सुबह 7 बजे से शाम के 6 बजे तक 70% के पास भी हो चुका है। और पंचायत की सुविधा टेंट, लाइट, पानी, चाय, नाश्ता, जो पंचायत की सुविधा सबको दी है। मोना थाना बरवारी सहयोग लिया, मतदान सुख शांति मिला। हमारा मतदान ग्राम पंचायत मतदान संपन्न हुआ। ये देखना पंचायत में ये अभी सेक्रेटरी साहब द्वारा बताया गया है कि युवाओं द्वारा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया गया है जिसमें युवा लड़के और लड़कियों ने ज़्यादातर मतदान किया है। देहात क्षेत्र में 1865 आदमी लगे हुए हैं जी। और जबरा और विदर्भ विधानसभा क्षेत्र में लगभग 100 क्रिटिकल मतदान केंद्र है जहाँ हमारा पैरामिलिट्री फोर्स सीपीएम वगैरह लगा हुआ है जी। और सब जगह शांतिपूर्ण मतदान चल रहा है। डिंडोरी जिले में आपको एक से बढ़कर एक नज़ारा देखने को मिल सकता है। जी हाँ, आप ठीक सुन रहे हैं, हम डिंडोरी जिले के शहपुर अस्पताल की बात कर रहे हैं। शहपुर अस्पताल में अजब डिंडोरी का गजब नज़ारा देखने में मिलेगा। आपने सुना होगा 100 लगाइए पुलिस बुलाइए, लेकिन हम आपको बता रहे हैं 100 लगाइए और अस्पताल जाइए। आपको बता दें कि शहपुर अस्पताल में काफ़ी लंबे समय से 108 एम्बुलेंस वहाँ नहीं है जिसके चलते लगातार मौतों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। समय पर 108 एम्बुलेंस वहाँ नहीं मिल पा रहे हैं। 108 एम्बुलेंस वाहन जब विक्रमपुर और कुंडम से आते हैं तब जाकर घायलों को आने जाने की सुविधा मिल पाती है, लेकिन मजबूरी में घायलों के परिजनों को अब डायल 100 पुलिस वाहन को फोन लगाते हैं और अस्पताल रवाना होते हैं और अस्पताल पहुंचते तक या अस्पताल में प्राथमिक उपचार के दौरान घायल के प्राण पखेरु उड़ जाते हैं। घायलों को समय पर 108 एम्बुलेंस वहाँ नहीं मिल पाता जिसके कारण असमय ही घायल मरीज काल के गाल में समा रहे हैं।
जिम्मेदार जनप्रतिनिधि और अधिकारी हाथ पर हाथ धरे बैठे हुए हैं। आखिर विकास का ढिंढूरा पीटने वाले विकास पुरुष और क्षेत्र के कर्णधार कब शहपुरा अस्पताल की ओर ध्यान देंगे? शहपुरा क्षेत्र के ग्रामीण जनों को कब 108 एम्बुलेंस वाहन की सुविधा मिलेगी या फिर मौतों का सिलसिला जारी रहेगा? नवाबाद थाने में व्यापारी और एडवोकेट संजय वर्मा के खिलाफ एक युवती के अपहरण की रिपोर्ट लिखाई गई थी। इस मामले में संजय वर्मा ने आज अपना पक्ष रखते हुए आरोप लगाया कि उनके साथ एक युवती और उनके साथी ने उसे MLC बनवाने और उसके साथियों की नौकरी लगवाने के नाम पर लाखों रुपए लिए थे। रुपए वापस न करने पड़े इसके लिए युवती की मां से उनके खिलाफ झूठी रिपोर्ट लिखाई गई। इस मामले में उनके विपक्षियों का भी हाथ है। मालूम हो कि 5 मई को श्याम लता पत्नी स्वर्गीय रामजी लाल सोनी निवासी सराफा बाजार ताल बेहट ललितपुर ने झांसी के प्रतिष्ठित व्यापारी और एडवोकेट संजय वर्मा के खिलाफ पुत्री मीना सोनी के अपहरण की रिपोर्ट नवाबाद थाने में दर्ज कराई थी। सैकड़ों लोगों को, वो तो कई लोगों के अब हमारे पास आते हैं कि नहीं साहब वो तो हमें भी पैसा चाहिए उससे। शादी हुई नहीं उसकी, 45 साल की उम्र है, 28-30 साल की थी जब से जो है घर से फरार है। मंजीत से जब भी बात होती थी वो कहता था कि हम नेपाल हैं, दिल्ली हैं, बॉम्बे हैं। तो कोई गिरोह चल रहा है क्या आपके साथ से? हो सकता। ये लेडी 12 साल से अपने घर से माँ बाप से अलग रही, कभी 30 त्योहारों पर भी जो है घर पे नहीं जाती थी, होली दीपावली पे भी। ढिंढोरी जिले को खुले में शौच मुक्त घोषित कर दिया गया है, लेकिन आप जब जमीनी हकीकत का जायजा लेंगे तो सच्चाई खुलकर सामने आ जाएगी कि आज भी लोग खुले में शौच के लिए मजबूर हैं। आज आप ये नज़ारा गांव में सुबह सुबह और शाम होते ही देख सकते हैं। ढिंढोरी जिले की कई पंचायतों में शौचालय निर्माण ही नहीं करवाए गए हैं। अगर शौचालय निर्माण करवाए गए हैं तो अपूर्ण है। इसी कड़ी में एक नया मामला प्रकाश में आया है कि ढिंढोरी जिले के बजाग जनपद अंतर्गत ग्राम पंचायत खरगहना में ठेकेदार ने लगभग 55 शौचालय बनवाए हैं, लेकिन आप देख सकते हैं कि शौचालय जमीन के ऊपर खड़ा कर दिया गया है। शौचालय के लिए नींव और बेस तक नहीं डाला गया। शौचालय एक बारिश में धराशायी हो जाएगा। शौचालय निर्माण कार्य भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया है। जब इस पूरे मामले में जिम्मेदारों से बात की गई तो लापरवाही और गुणवत्ता विहीन कार्य की जांच की बात कही गई है। आखिर क्यों गुणवत्ता विहीन कार्य किसके इशारे पर किया जा रहा है? क्या जिम्मेदार विभाग ठोस कार्रवाई करेगा या ढाक के तीन पाद की कहावत चरितार्थ होगी? आसरा सोसाइटी ने दिनांक 12 मई 2019 को बिजौली की दो आदिवासी बच्चियों के विवाह के लिए लहंगा, ज्वेलरी, मेकअप और कुछ गिफ्ट दिए और आशा करते हैं कि आगे भी ऐसी लड़कियों के काम आसरा ग्रुप आता रहेगा। ऐसे काम कर आसरा को हमेशा खुशी मिलती है जो जनहित में हो। इनमें इन लड़कियों की मदद के लिए हमारे ग्रुप मेंबर पूजा शर्मा, बंटी शर्मा, उपासना साहू, अर्चना साहू, अभिषेक सक्सेना, नवीन हिरवानी, हृदेश महाराज, विवेक कुमार, रक्षा साहू, वंदना रैकवार, अलका श्रीवास गुप्ता, मैम पूजा राय, वैष्णवी मनीषा रैकवार, रिंकी कुशवाहा, भूमि यादव मौजूद रही। हम लोगों ने आसरा NGO की तरफ से ये जो बच्ची है आदिवासी बस्ती की है जो कि बिजौली में है और इन दोनों का शादी में लहंगा ज्वेलरी मेकअप फ्री किया है और जो भी हम लोग से गिफ्ट बने हैं वो गिफ्ट भी किए। और वैसे तो सभी जानते हैं ये काफ़ी हम लोग कर चुके हैं पहले भी, तो इसीलिए उस बस्ती की पहले भी और लड़कियों का किया था हम लोगों ने, तो अभी भी भैया ने बोला कि इनका करना है, तो इसलिए उन्होंने मेकअप लहंगा ज्वेलरी और गिफ्ट वगैरह दिए हैं। तो यही देना चाहते हैं संदेश तो कि सभी को ऐसा कार्य करना चाहिए, जैसे कि ये लोग नहीं है इनकी इतनी गुंजाइश कि माँ बाप इनके लिए अच्छे से अच्छा करें। अपने बच्चों की शादी होती है अपन हर चीज़ अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करते हैं, पर इनके माँ बाप की नहीं है इतनी कोशिश। तो यही कहना चाहेंगे सबसे कि आगे आके सबको मदद करनी चाहिए, जो भी जिससे बने छोटी छोटी मदद भी इनके लिए काफ़ी कुछ कर बड़ा कर सकती है। खबरों में फिलहाल इतना ही, और भी खबरों के लिए आप देखते रहिए पुलिस वाला वेब न्यूज़।